नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे चैनल मंगस्वीट में। मैं यहाँ पे समर बिसानी। आइए डिस्कस करेंगे 25 सितंबर के IASbaba के डेली करंट अफेयर्स। तो शुरू करते, सबसे पहला जहाँ पे करंट अफेयर्स है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो ऑफकोर्स ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है दादा साहेब फाल्के के नाम के ऊपर। अब यहाँ पर दादा साहेब फाल्के इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इनका जो जन्म है वो 1870 में हुआ था, इनका डेथ 1944 में हुआ था। ये एक ऐसे इंडियन फिल्म मेकर हैं जो कि सबसे पहला फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाए थे, जिसका पूरा नाम था राजा हरिश्चंद्र, 1913 में आई थी। और इन्हें द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का नाम से जाना जाता है। तो इनको मतलब इनके नाम पे एक ऑनर दिया जाता है, जो भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जो सिनेमा जगत के वो लोग को। तो इस साल अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड मिलेगा, और ये अवार्ड जो है वो इनका गोल्डन जुबली में दिया जाएगा। ये अपना सिनेमा में डेब्यूट किए थे 1969 में, अभी 2019 चल रहा, मतलब इनका 50 साल पूरा हो चुका है जब से ये अपना जो करियर है वो स्टार्ट किए हैं। तो उस हिसाब से इनको अभी अवार्ड दिया जाएगा। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा के ऊपर दिया जाता है। ये कौन देता है? तो ये देता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, एक ऐसा ये कमेटी है या ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ये जो अवार्ड है इसमें गोल्डन लोटस आता है, कैश प्राइज आता है 10 लाख रुपये का, और एक शॉल आता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट अवार्ड जिसको दिया गया था वो 1969 में दिया गया था, और ये दिया गया था एक्ट्रेस देविका रानी को, और इनको फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। अब इसके बाद आता है सस्ता रामानुजन प्राइस। तो देखिए, रामानुजन जी को आप जानते हैं, ये एक बहुत ही प्रोफाउंड मैथमेटिशियन थे, जो कि बहुत एक यंग एज में डाई कर गए थे ड्यू टू कैंसर। पर बट उस एज के अंदर ये काफ़ी सारा चीज़ जो है वो खोज के यहाँ पे निकाल दिए थे। तो सस्ता रामानुजन क्या है, एक प्राइज़ है 2019 का, यहाँ पे प्राइज बोला जा रहा है। ये 2019 में दिया जाएगा एडम हार्पर को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक इंग्लैंड में। तो ये बोला जा रहा है कि जो प्राइस है ये 2005 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और ये हर साल मैथमेटिशियंस को दिया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि 32 साल से कम एज के हैं और वो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि मतलब बेसिकली मैथमेटिशियन फील्ड में। और जीनियस श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा ये इन्फ्लुएंस हुए पड़े हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्राइस है ये कहाँ पे दिया जाता है, तो ये कैंपस है सस्त्रा यूनिवर्सिटी से कैंपस में दिया जाता है, जो कि कुंभकोणम में है तमिलनाडु। और ये दिया जाता है रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी में December 22। ये जो प्राइस है इसमें अवार्ड रहता है $10,000 का। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रीवियस विनर्स हैं इनके, वो उनमें मंजुल भार्गव आते हैं, अक्षय वेंकटेश आते हैं, जो कि फील्ड मेडल भी जीत चुके हैं। ठीक है, फील्ड मेडल एक दूसरा तरह का प्राइज़ होता है, जिसको कि मैथमेटिशियन का नोबल प्राइज़ भी कहा जाता है। जो फील्ड मेडल होता है वो 2 से 4 मैथमेटिशियन को दिया जाता है, जो कि 40 साल के अंदर आते हैं, और ये इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन में दिया जाता है, और ये हर 4 साल में दिया जाता है। अब इसके बाद क्या है, गांधी सोलर पार्क। तो गांधी सोलर पार्क देखेंगे, हुआ क्या है कि पीएम मोदी और भी दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो मिल करके गांधी सोलर पार्क का इनॉग्रेशन किए। कहाँ पे किए? तो यूएन के हेडक्वार्टर्स में किए, यहाँ पे गांधी जी के 150वें बर्थ एनिवर्सरी में। यहाँ पे क्या, 50 किलोवाट आवर का रूफ टॉप सोलर पार्क बनाया गया, जिसमें कि 195 सोलर पैनल है। हर एक क्या करता है, मल्टीलेटरल बॉडी, जो कि यूनियन का टोटल काउंट है 195, तो वहाँ पे 195 सोलर पैनल्स हर एक बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो है वो इंडिया के द्वारा बनाया गया है $1 बिलियन के कॉस्ट पे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो लीडर्स है उन्होंने यूएन पोस्टेज स्टैम्प महात्मा गांधी के नाम पे भी लॉन्च किया, मतलब महात्मा गांधी के फोटो का यूएन पोस्टेज स्टैम्प। और ये बोला जाता है, और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है क्या, प्रोग्राम का नाम था रेलिवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के नाम पे। यहाँ पे महात्मा गांधी का जो पोस्टेज स्टैम्प है उसको लॉन्च किया गया है यूएन हेडक्वार्टर्स में। इसके बाद ये क्या बोला जा रहा है कि डू यू नो में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। इसके बाद बोला जा रहा है कि चाइना सबसे एक नंबर पे आता है, उसके बाद आता है यूएस। यहाँ पे कोल पावर, कैटल जो कि हम लोग का जो गाय बकरी होता है, इसके अलावा पैडी जो खाना जो हम लोग खेत में सामान उगाते हैं, तो ये तीनों क्या है, मेजर सोर्स ऑफ एमिशन है। तो यहाँ पे कोल पावर तो चिल है कि भाई कोल पावर क्या होता है कि हम लोग उसको जलाते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैडी किस तरह से, तो देखिए ये कैटल किस तरह से, तो कैटल क्या होता है, पेड़ खा लेते हैं, ठीक है, और पेड़ खाने के बाद वो लोग जो भी एक्सक्रीटा निकालते हैं उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें मीथेन और इथेन होता है, तो वो चीज़ एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा जो पैडी है, तो पैडी को क्या करना पड़ता है, आप एक बार पैडी बनाओगे तो पैडी तो बेसिकली ऐसे ही खुद बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज करता है। इसके अलावा उसका जो वेस्ट रहता है उसको जलाने के चक्कर में क्या होता है, और CO2 रिलीज होता है। तो यहाँ पे ये तीनों का यहाँ पे मेजर सोर्सेज का नाम पे दिया गया है। यहाँ पे पर कैपिटा एमिशन क्या है, 1.8 टन ऑफ CO2,
और ये जो है वो 1/7 है यूएस का और लेस देन हाफ है पूरा वर्ल्ड के एवरेज का जो कि 4.2 टन है। अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वो प्लेज करता है 33-35% रिडक्शन जो कि अपना इमिशन इंटेंसिटी है उस पर, ठीक है। और ये इमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या बोला जा रहा है कि पर यूनिट इकोनॉमिक आउटपुट पे क्या इंटेंसिटी है उसका कम करेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपका अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तो आपका जो इमिशन है वो भी ग्रो करेगा। और सिंपल सी बात है कि अगर आपका इकोनॉमी ग्रो कर रहा तो वो क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट है, आपके पास अच्छी फैक्ट्रीज है, आपके पास अच्छी मशीनरी है, तो आप जब ज़्यादा अमाउंट में कुछ जनरेट करते हो तो उसका इमिशन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर उस पर कैपिटा इकोनॉमिक आउटपुट के ऊपर 30-35% कमाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। कब तक कमाना हम लोग को, 2030 तक, जो कि 2005 के लेवल को हम कंपेयर करके कमाएंगे। इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लगाने का, जिसमें बहुत ज़्यादा बहुत जगह जगह अलग अलग जगह पे पूरा सोलर पैनल बिछाए जाएंगे। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पे सोलर पैनल बिछाने की बात यहाँ पे की जा रही है। 2022 तक इसको कंप्लीट करना है, बेसिकली बहुत मुश्किल टास्क है और हो सकता है कि कंप्लीट ना हो, पर एक ह्यूज अमाउंट अभी तक जो सोलर पैनल है वो लगा चुके हैं इंडियंस। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसमें 100 गीगावाट मिलेगा सोलर से, 60 गीगावाट मिलेगा आपको विंड से, और बाकी स्मॉल छोटे हाइड्रो या फिर एक्स्ट्रा जो प्लांट्स है उससे आपको मिल जाएगा। टाइडल होता है, जियो थर्मल होता है, काफ़ी सारे प्लांट्स होता है, तो उससे हल्का फुल करके और 15 किलोवाट का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अब इसके बाद आता है उम्मीद, तो उम्मीद क्या है, देखिए इंडिया का अर्बन एरियाज जो है वहाँ पर देखिएगा बेसिकली होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए आपके घर में एक बच्चा हुआ, तो ऐसा बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी होता है कि वो एक इनहेरिटेड डिजीज़ लेकर के पैदा होता है जो उसको अपने माया बाप से मिलता है। अब ऐसे में क्या होता है कि एक अगर अमीर फैमिली है तो वो क्या करता है, उस इनहेरिटेड डिजीज़ को क्योर करने की कोशिश करता है, उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है। पर एक गरीब आदमी के पास उतना पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता कि वो उस इनहेरिटेड डिजीज़ को ठीक कर सके, ठीक है, और उसको जो डीएनए में जो दिक्कत है उसको ठीक कर सके। तो ऐसे में क्या होता है, जो बच्चा है वो मर जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होता है न्यूबॉर्न्स का, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या की है कि एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया बेसिकली, इसका नाम है उम्मीद। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। और यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेस को हम लोग यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इनिशिएटिव का काम क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट करने का काम, मतलब क्रिएट करने का काम है, किस तरह से किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर मिलता है उसका अगर लोगों को आइडिया रहेगा तो लोग उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। उम्मीद के अंदर एक और चीज़ आता है जिसको बोलते हैं निदान, तो उम्मीद बेसिकली निदान को एस्टैब्लिश करने का काम करेगा। निदान क्या है, नेशनल इरेटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे होगा क्या कि बेसिकली जो भी डिजीज़ है उसके ऊपर काउंसलिंग होगा, टेस्टिंग होगा, डायग्नोसिस होगा, मैनेजमेंट होगा, और बेसिकली समझाया जाएगा किस तरह से इसको ठीक करना है। और यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीडिसिप्लिनरी केयर जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाएगा। ये निदान का फुल फॉर्म है, निदान का पूरा नाम है निदान केंद्र, मतलब बेसिकली निदान केंद्र बनाया जाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हो तो उस जगह का नाम होता है तो निदान केंद्र होगा यहाँ पे। यहाँ पे उम्मीद का और क्या इनिशिएटिव है कि हम लोग को स्किल क्लिनिशियंस बनाना है कि ऑफकोर्स जो क्लिनिक में जो लोग हैं उनको आइडिया हो कि आप किस चीज़ के साथ डील कर रहे हो। और थर्ड यहाँ पे क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन का स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि आप देखिए बेसिकली क्या होगा, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आप स्क्रीन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसके बच्चा जो उसका जो बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आने वाला कि है कि नहीं, क्योंकि अगर उसका मतलब बच्चा में आने वाला हो तो वो उसका माँ में ही झलक जाएगा। यहाँ पे वो लग रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो इस चीज़ को प्रोवाइड करें, क्योंकि क्या होता है ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो लोग जो है वो नॉर्मली इसको ले नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी तक भर के लिए इतना ही, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल मंक स्ट्रीट। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।